दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया और अफगानिस्तान का जो वर्ल्ड कप का 43वां मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन से प्लेयर को कब ट्राई करके चलना है, कब ड्रॉप करके चलना है, कैसा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर और कैसा रिकॉर्ड है एक दूसरे के टीम के खिलाफ। मैं इस वीडियो में आपको हर एक प्लेयर का सारी डिटेल्स में समझा दूंगा ताकि आप अपने आप से भी टीम क्रिएट कर सको। बाकी इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है और कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना। और ऐसा नहीं कि सारे प्लेयर को जीएल में ट्राई करके चलो और सारे प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करके चलो। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा और वीडियो में तीन टर्म प्लेयर्स बताता हूं जिसको यूज करके आप स्मॉल लीग में अच्छा खासा प्रॉफिट यूज कर सकते हो। जैसे कि लास्ट मैच का एक एग्जांपल दे देता हूं, पाकिस्तान और आयरलैंड वाले मैच में मैंने आपको तीन टर्म प्लेयर्स बताया था, उसमें से एक थे इमाद वसीम। मैंने बताया था कि वो क्यों एक टर्म प्लेयर्स रहेंगे, उनको लोग ड्रॉप करके आ रहे थे क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी स्पिनर्स टूर्नामेंट में एक भी विकेट नहीं पिक कर रखा था। बट मैंने बताया क्योंकि सामने मैक्सिमम प्लेयर्स राइट हैंडर थे तो उनके सामने अच्छा खासा गेंदबाजी करा सकते हैं, इस वजह से अच्छा खासा विकेट निकाल सकते हैं। तो उन्होंने 4 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट इन्होंने पिक किया था। और अगला मैच की बात करें न्यूजीलैंड और पीएनजी वाले मैच में मैंने बताया था लॉकी फर्गुसन एक आपके लिए ट्रंप प्लेयर्स रहेंगे, वो भी 4 ओवर में चारों का चारों मैदान डालकर 3 विकेट इन्होंने निकाला था। तो अब वो ट्रंप प्लेयर जो मैं देता हूं उसको आप स्मॉल लीग में यूज करोगे आप अच्छा खासा प्रॉफिट यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैच आपको 20 जून को रात को 8 बजे खेले जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेइंग 11, प्लेयर स्टैट्स, प्लेयर्स मैचअप और फाइनल टीम। तो खेलना तो वो है बूम 11। यहाँ पर मैं काफी अच्छे खासे पैसे जीत रहा हूँ, आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको खेलने के फायदे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना ही आपको टीडीएस पे करना पड़ता है ना ही आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, बिना टीडीएस और जीएसटी के आप खेल सकते हो। और भी फायदे मैं आपको बताता हूँ, जहां पर कोई भी फैंटेसी ऐप हमें टीडीएस और जीएसटी में भी मतलब डिस्काउंट नहीं दे रही है वहीं पर ये ऐप सिर्फ 2% से 7% आपको एक्स्ट्रा रियल कैश दे रही है आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में डिपोजिट करते हो तो। और यहाँ पर आप जो भी पैसे जीतते हो उसको 2 मिनट में इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो 24/7। उसके बाद यहाँ पर सीरीज लीडर बोर्ड चलता रहता है जिसमें 2.5 लाख का प्राइज है, अगर अभी से भी आप खेलना चालू कर सकते हो तो अच्छे खासे प्राइजेस इसमें जीत सकते हो। और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है जहां पर अच्छी खासी कार बाइक और भी प्राइजेस जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपने बूम 11 का लिंक दे रखा है जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अगर हमारा रेफर कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट का। ये बारबाडोस में मैच खेला जाएगा जहां का एवरेज स्कोर का बात किया जाए तो 157 रन, हाईएस्ट स्कोर का बात किया जाए तो 224 रन 5 विकेट खोकर, वहीं पर लोएस्ट स्कोर का बात किया जाए तो 80 रन 10 विकेट खोकर बनाए। टोटल मैचेस यहाँ पर 26 खेले गए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 17 मुकाबले वहीं पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं। बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 के नीचे आपको 9 बार स्कोर बनाए और 150 से 169 के बीच में 7 बार और 170 से 189 के बीच में 6 बार और 190 के पार आपको 4 बार स्कोर बनता देखा गया इस पिच पर। तो आप मैक्सिमम मैच में देखिए इंडिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का इस टूर्नामेंट में बॉलिंग काफी अच्छा है, खासकर फजल अक फारूकी, राशिद खान, नवीन काफी अच्छे गेंदबाजी करा रहे हैं। वहीं पर इंडिया का पास काफी टॉप मतलब टॉप क्लास के बैटिंग ऑर्डर है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स हैं। तो यहां पर अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 180 के आसपास रन देखने को मिल जाए और वहीं पर अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो 160 से 170 के बीच में आप रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना अफगानिस्तान का क्योंकि इंडियन बैटिंग बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू क्या नाम है अफगानिस्तान का। बात करते हैं पेसर और स्पिनर्स में तो पेसर्स ने यहाँ पर 67 विकेट और स्पिनर्स ने यहाँ पर 51 विकेट पिक कर रखे हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात किया जाए तो 57% विकेट आपको पेसर्स ने और 51% विकेट आपको स्पिनर्स ने पिक कर रखा है। बात करते हैं रिसेंट मैचेस का तो लास्ट मुकाबला यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 201 रन 7 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे। वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने स्ट्रगल किया, देखे उन्होंने बढ़िया शुरुआत किया था बट बीच मैच उन्होंने स्ट्रगल किया और 165 रन 6 विकेट खोकर ही बना पाई थी और ये मैच हार गई थी जिसमें पेसर्स ने तो स्पिनर्स ने 5 विकेट पिक किया था। वहीं से पिछला मुकाबला नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच में खेला गया था जिसमें नामीबिया की टीम ने 155 रन 9 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे। वहीं पर स्कॉटलैंड की टीम की बात करें तो 157 रन 5 विकेट खोकर 18.3 ओवरों में इस टारगेट को चेस कर लिया था जिसमें पेसर्स ने 8 तो स्पिनर्स ने 5 विकेट पिक किया था। वहीं से पिछला मुकाबला का बात किया जाए तो ओमान और नामीबिया के बीच में खेला गया था जिसमें ओमान की टीम ने 109 रन 10 विकेट खोकर 19.4 ओवर बनाए थे और नामीबिया की टीम इस छोटे को टारगेट का पीछा करते हुए भी स्ट्रगल किया और ये मैच सुपर ओवर में गया था बट वहां पर आपको नामीबिया की टीम जीत गई थी ये मैच है। बात करते हैं उससे पिछला मुकाबला इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 171 रन 10 विकेट खोकर 19.3 ओवर में
10 विकेट खोकर बनाए थे 171 रन और वेस्ट इंडीज की टीम ने 172 रन 6 विकेट खोकर 18.1 ओवर में इस टारगेट को चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 10 तो स्पिनर्स ने 6 विकेट पिक किया था। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो देखिए, जब दोनों स्ट्रॉन्ग टीम होती है तो यहाँ पर अच्छे रन दिखे थे और यहाँ पर भी अच्छे रन दिखे थे, और जहाँ पर एक टीम स्ट्रॉन्ग और एक टीम वीक है तो आपको कम रन देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर दोनों बेटर टीम है, मतलब कंपेयर किया जाए तो दोनों ने काफी बेटर परफॉर्मेंस किया इस टूर्नामेंट में, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते 170-180 रन। और अगर पेसर और स्पिनर्स में बात करें तो पेसर ज्यादा डोमिनेंस करते दिखे एज कम्पेयर टू स्पिनर्स, बट सेकंड इनिंग में आपको स्पिनर्स का डोमिनेंट देखने मिल सकता है, तो सेकंड इनिंग में जो क्वालिटी स्पिनर्स गेंदबाजी कराएंगे उनको अपने टीम में पिक कर सकते हो। बाकी बात करते हैं टोटल, इन दोनों टीम्स के बीच में 7 मुकाबले खेले गए हैं और सातों को सातों मुकाबले इंडिया ने जीते हैं। अफगानिस्तान ने अभी तक एक भी मुकाबला आपको इंडिया के खिलाफ नहीं जीते हैं। बात करें रिसेंट फॉर्म की तो 5 में से 5 मुकाबला इन्होंने इंडिया जीत करा रही है और 5 में से 4 मुकाबले आपको अफगानिस्तान की टीम जीत करा रही है। तो अफगानिस्तान भी इस टूर्नामेंट में बेटर परफॉर्मेंस किया था, बट वेस्ट इंडीज के सामने में भी हार जाए या जीत जाए, वो तो अभी मैच चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से इंग्लैंड की, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। देखिए शिवम दुबे ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में इन्होंने प्रदर्शन किया था, बाकी सारे मैचेस में इन्होंने फ्लॉप हुए थे और इनसे टीम भी बॉलिंग करवाने लगी थी, लास्ट मैच में एक ओवर भी कराया था। उसके बाद रविंद्र जडेजा कोई खास रोल इनका दिखाई नहीं दे रहा है इस टूर्नामेंट में, ना इन्होंने विकेट पिक किया ना इन्होंने रन स्कोर किया अभी तक। अक्षर पटेल, उसके बाद मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप सिंह, ये होगी इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगेंस्ट अफगानिस्तान। बात करें स्टार्टिंग ओवर तो मोहम्मद सिराज, हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह कराएंगे, वहीं पर डेथ में आपको मोहम्मद सिराज और हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी कराते दिख जाएंगे। बात करते हैं इंडिया के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो देखिए 3, 13, 52, 134, 0 ये रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस रिसेंट फॉर्म का। और अगर बात किया जाए हेड टू हेड में तो काफी बेटर परफॉर्मेंस किया इन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान, 4 मैच में 208 रन 52 के एवरेज इन्होंने स्कोर कर रखे हैं। बाकी आप फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का स्कोर दोनों मतलब प्लेयर्स का आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं विराट कोहली का, इस टूर्नामेंट में विराट कोहली काफी स्ट्रगल किए हैं, सारे मैचेस में सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं, 0, 4, 1 और 0। बाकी हेड टू हेड में इनका अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 3 मैच में 151 रन 75 के एवरेज इन्होंने स्कोर कर रखा है। बात करते हैं ऋषभ पंत, 18, 42, 36, 11 और 6 हेड टू हेड में 2 मैच में 47 रन 24 के एवरेज इन्होंने स्कोर कर रखे हैं, वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। सूर्य कुमार यादव 50, 7, 256 ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में 1 मैच में 6 रन 6 के एवरेज इन्होंने स्कोर कर रखे हैं। शिवम दुबे लास्ट मैच में इन्होंने 31 रन पर 0 विकेट, उसके बाद 0, 3 रन फिर 0 रन फिर 1 रन पर 0 विकेट है, हेड टू हेड में 4 मैच में 124 रन 40 के एवरेज और 3 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है, बाकी वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। हार्दिक पांड्या 2 विकेट 7 रन प्लस 2 विकेट फिर 3 विकेट फिर 14 रन प्लस 0 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 35 रन 35 के एवरेज और 0 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है। रविंद्र जडेजा लास्ट मैच में बैटिंग है फिर 0 रन पर 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 4 रन प्लस 2 विकेट फिर 19 रन प्लस 0 विकेट फिर 1 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 रन और 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, बाकी वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। अक्षर पटेल 1 विकेट 20 रन प्लस 1 विकेट फिर 1 विकेट 2 विकेट फिर 3 विकेट हेड टू हेड में 3 मैच में 0 रन 0 के एवरेज और 4 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, बाकी वेन्यू पर इन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से मोहम्मद सिराज की, तो 0 विकेट है। उसके बाद बात करते हैं हेड टू हेड में मोहम्मद सिराज ने कोई भी मैच नहीं खेला और ना ही जसप्रीत बुमराह ने, जसप्रीत बुमराह का बात किया जाए तो 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। बात करते हैं हर्षदीप सिंह, 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट और 0 विकेट हेड टू हेड में 4 मैच में 5 विकेट और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। बाकी इनके बेंच पे संजू सैमसन, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और युजवेंद्र चहल रहेंगे, अगर इनमें से कोई खेलता है तो इनका रिकॉर्ड आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात करते हैं कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है, तो देखिए रोहित शर्मा बाय डिफॉल्ट आप इनको ट्राई कर सकते हो क्योंकि हेड टू हेड और रिसेंट भी ठीक ठाक है, विराट कोहली बाय डिफॉल्ट, ऋषभ पंत भी अच्छे खासे पिक होंगे, सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे बट लास्ट मैच में इन्होंने परफॉर्म करके दिया था, तब इनके बेसिस पे इनको ट्राई कर सकते हो। शिवम दुबे का जीएल में ट्राई करके चलना, हार्दिक पांड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस वजह से आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, रविंद्र जडेजा स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म से इस वजह से इनको जीएल में ट्राई करके चलना, सेम विद अक्षर पटेल सेकंड इनिंग में ट्राई करना अदरवाइज आप इनको जीएल में ट्राई करके जा सकते हो, मोहम्मद सिराज पहली पारी में ट्राई करना थोड़ा सा रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हैं इस वजह से, जसप्रीत बुमराह दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो और हर्षदीप सिंह को भी आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। बाकी अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की बात करें तो रहमुल्ला गुरबाज,
इब्राहिम जदरान, उसके बाद अजमतुल्ला उमर जाई, मोहम्मद नबी, नजबुल्ला जदरान, फिर गुलाबदीन नेब, करीम जनत, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन उल्लाह, फजल अकबारुखी। ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस, मतलब जो इनका प्लेइंग 11 है। बात करते स्टार्टिंग ओवर, आपको फजल अकबारुखी, अजमतुल्ला उमर जाई और नवीन उल्लाह कराएंगे, वहीं पर डेथ में आपको फजल अकबारुखी, करीम जनत और नवीन उल्लाह आपको गेंदबाजी कराते दिख सकते हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो 11, 80, 76, 6 और 3, ये रमुल्ला गुरबाज का रिसेंट परफॉर्मेंस। हेड टू हेड में 5 मैच में 111 रन, 22 के एवरेज से, और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। इब्राहिम जदरान 0, 44, 70, 72, 11, ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में 4 मैच में 147 रन, 49 के एवरेज से, और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। अजमतुल्ला उमर जाई 13 रन पर 0 विकेट, 22 रन, फिर 5 रन पर 0 विकेट, फिर 3 रन पर 4 विकेट है। हेड टू हेड में 4 मैच में 32 रन, 8 के एवरेज और 3 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है। नजीबुल्ला जदरान बैटिंग नहीं, फिर 1, फिर 2, फिर 9, फिर 0, फिर 5 है। हेड टू हेड में 5 मैच में 58 रन, 14 के एवरेज से, और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। गुलाबदीन नेब 49, 0, 4, 4, 16, हेड टू हेड में 5 मैच में 158 रन, 52 के एवरेज से, और 1 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है। करीम जनत 0 विकेट, 1 रन, फिर डीएनबी, फिर 0 रन प्लस 0 विकेट। हेड टू हेड में 6 मैच में 76 रन, 19 के एवरेज और 3 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। वहीं पर वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। राशिद खान 0 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट है। हेड टू हेड और वेन्यू पर कोई, हेड टू हेड में 2 मैच में 0 और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। उसके बाद नूर अहमद 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। नवीन उल्लाह 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट है। हेड टू हेड में 3 मैच में 1 विकेट और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। फजल अकबारुखी 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट है। हेड टू हेड में 3 मैच में 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी इनके बेंच पे आपको फरीद अहमद मलिक, हजरतुल्ला जोजाई, उसके बाद ऐसे मोहम्मद इशाक और एन खरोटे आपको बेंच पे दिख सकते हैं। अगर इनका कोई में से कोई खेलता है तो इनका रिकॉर्ड आप ऐसा चेकआउट कर सकते हो। बाकी किनको आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है तो रहमुल्ला गुरबाज, जदरान भी ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज है और इस पिच पर शायद गेंदबाजों को सपोर्ट ना मिले तो जदरान अच्छा खासा रन स्कोर कर सके ग्राउंड रेट शॉट खेलते हुए। अजमतुल्ला उमर जाई ठीक ठाक रहेंगे क्योंकि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे और गेंदबाजी भी कर रहे हैं। मोहम्मद नबी को जीएल में ट्राई करके चलना, जदरान को भी जीएल में, और गुलाबदीन नेब को भी अब जीएल में ट्राई करके चलना क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है और बॉलिंग का उतना श्योर नहीं है। करीम जनत को भी अब जीएल में ट्राई करके चलना। राशिद खान स्मॉल लीग के लिए अच्छे खासे पिक रहेंगे और कैप्टन से वाइस कैप्टनसी के लिए भी। बाकी बात करते हैं नूर अहमद, जीएल में ट्राई करके चलना, अदरवाइज अगर इंडिया की टीम पहली पारी में गेंदबाजी कर रही है तब इनको ट्राई करके चलना। नवीन उल्लाह इनको पहली बारी में अगर अफगानिस्तान की टीम गेंदबाजी करे तब ट्राई करके चलना, बट फजल अकबारुखी को दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, काफी बेटर परफॉर्मेंस किया इन्होंने इस टूर्नामेंट में। बाकी बात करते हैं की प्लेयर्स की, तो रहमुल्ला गुरबाज, ऋषभ पंत, राशिद खान, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, फजल अकबारुखी और विराट कोहली, ये 7 प्लेयर आपके टीम में बाय डिफॉल्ट होने चाहिए। सातों के सातों प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे इस वजह से। बाकी सीएनबीसी के लिए जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, ये 4 बेटर ऑप्शन आपके पास होंगे जो सीएनबीसी के लिए काफी बेटर ऑप्शन होंगे। बाकी बात करते हैं टर्म प्लेयर्स, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहते हैं, मैं जो बताता हूँ उनमें से एक तो आपको डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा, और सिचुएशन भी बता देता हूँ कब किनको ट्राई करके चलना है। जडेजा इनको आप सेकंड इनिंग में ट्राई करना अगर अफगानिस्तान की टीम गेंदबाजी कर रही है तब आपके लिए एक अच्छा खासा टर्म प्लेयर्स का काम कर सकते हैं। बात करते हैं मोहम्मद सिराज का, तो मोहम्मद सिराज आपको पहली पारी में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करते दिखेंगे अगर इंडिया की टीम गेंदबाजी करती है तो। नवीन उल्लाह पहली पारी में अगर अफगानिस्तान की टीम गेंदबाजी कर रही है तब इनको आप ट्राई करके चलना, अच्छे खासे ऑप्शन होंगे। बाकी वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब टीम डिस्कस करते हैं, तो देखिए हमने विकेट कीपिंग सेक्शन से दोनों प्लेयर विकेट कीपर को पिक कर रखा है, रहमुल्ला गुरबाज और ऋषभ पंत को, वहीं पर बैटिंग सेक्शन में जदरान पिक कर रखा है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, 4 प्लेयर्स मैंने बैटिंग सेक्शन से पिक कर रखा है। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो राशिद खान, हार्दिक पांड्या को पिक कर रखा है। बॉलिंग का पूरा सेक्शन डिपेंड करता है कि कौन सी टीम कब गेंदबाजी कर रही है। अगर इंडिया की टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो इनके मैक्सिमम डेथ बॉलर मैं कवर करूंगा, और अगर अफगानिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करेंगे तो उनके मैं डेथ बॉलर कवर करूंगा। फिर उस सिचुएशन में शायद 1-2 बैटर को मैं ड्रॉप कर दूं, क्योंकि फिर 1-2 बॉलर पिक करने के लिए 1-2 बैटर को ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो उनमें दोनों को कैप्टनसी दे रखा मैंने, हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन से राशिद खान। आप चाहो तो बुमराह को या तो विराट कोहली को ट्राई कर सकते हो सीएनबीसी के लिए। बाकी ये मैच के जीतने का चांसेस आपके इंडिया के ज्यादा है एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान की टीम। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।